हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। शनि एक कार्मिक प्लेनेट है, हम सभी जानते हैं, और ये हमेशा हमारे कर्मों के आधार पर अपना परिणाम देता है। और कुंडली का दूसरा भाव सेकंड हाउस आपकी वाणी, आपके स्वर, आपके परिवार, आपके संस्कार और आपके धन का प्रतिनिधित्व करता है। क्या हो अगर सेकंड हाउस में आपके शनि हो? शनि को न्यायाधीश माना जाता है। व्यक्ति कड़वा सच बोल सकता है और जो सत्य है वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा शनि देव मानते हैं। क्योंकि शनि देव जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्ति को अपने परिवार, धन और अपनी वाणी के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सेकंड हाउस में शनि अनुशासित परिवार देता है, डिसिप्लिन फैमिली देता है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये आपको वो भी देता है जो अन्य दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। शनि आपको अपार धन देता है, अत्यधिक सफलता देता है, और ये चीज़ें तभी होंगी जब आपके कर्म अच्छे होंगे या शनि का डिस्पॉजिटर अच्छा होगा या शनि अपनी मित्र राशि में होगा। सो नेवर डिनाई द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। ऐसे में जब कभी चंद्रमा से सेकंड हाउस में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को परिवार में अवांछित महसूस होगा, अनडिजायर्ड महसूस होगा, यानी जिस चीज़ की इच्छा ना हो और वो चीज़ आपको मिल जाए। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं जहाँ नेटिव का परिवार अनग्रेटफुल रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास धन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन का अंतिम समय अकेलेपन में होता है, और जो लोग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो लोग अपने जीवन की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि परिवार उनके लिए बाधित नहीं होता। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति का धन दूसरों के काम आता है, या कह लो वो अपने धन का उपयोग अपने लिए पूरी तरह से नहीं कर पाते। चंद्रमा के दूसरे भाव में शनि नेटिव को धन, वाणी और सेकंड हाउस से रिलेटेड कारकत्वों के प्रति अनुशासित रहने में भी मदद करता है। ऐसे में एक बहुत सरल उपाय व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक मीठा और एक नमकीन कोई भी खाने की चीज़ का आपको त्याग करना चाहिए, जैसे नमक और चीनी, जो दोनों ही वाइट हैं और दोनों का टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसे जातकों को कई बार इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होते हुए भी देखा गया है। कई बार ऐसे लोग दूसरों के कारण परेशान होते हैं, तो ऐसे में ऐसे जातकों को पूर्णिमा तिथि पर उपवास करना चाहिए, और जिस दिन पूर्णिमा हो और शनिवार का दिन हो तो सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं। क्योंकि शनिवार और पूर्णिमा तिथि शनि और चंद्रमा के इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये योग बहुत कम बनता है। तो ऐसे में जिनके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो कि शनिवार हो और पूर्णिमा तिथि हो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा आपको इसका बेहतर रिजल्ट अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बेहतर उपाय करने चाहिए। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।